हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ एंड वेलकम टू आवर चैनल संबंध गुरुजी। आज आम आउ गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर करवा आज ए मॉडल पेपर 2019 रहा आमर तीन वर्ष अलरेडी सरीगले 2022 21 20 सर आज 2019 करवा ठीक अच्छे आमर अच्छे सब बड़ इंपोर्टेंट जिनस हूँ फाइव इयर जदि आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करदे तो भितर आम डेफिनेटली क्वेश्चन पाइबू आम तीन वर्ष सरी जाइए आज आम फोर्थ इयर बा 2019 करवा। चल देखो कमी क्वेश्चन अच्छे और कमी सल्यूशन कर बेस्ट सल्यूशन कौन हो पारे से जिन तुमको कह ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर वन को जी देख दी दुईट परस्पर परिपूरक कोणर परिमापर समष्टि के समय जान परस्पर परिपूरक कोण समष्टि के समय जान ना 180 डिग्री ठीक अच्छे बुझीआसला समष्टि के डिग्री हम ना सर 180 डिग्री एट समय जान अनुरूप कोण के डिग्री ना 90 डिग्री तेणुक ऑप्शन ए हम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर वन खत्म। क्वेश्चन नंबर टू को जी दे जी घंटे तीन टा बाजला बेल ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बहुत सारा पिला को भूल करते कौट भूल करते से जिन तुमको कहीदेवी और केमी क्वेश्चन कर दिन भी कहीदे घंटे तीन टा बाजला बेल देख घंटा ये हूँ देख ये हूँ घंटा मन कर 12 ये हूँ 6 ये हूँ 3 ये हूँ 9 देख तीन टा बजी ये देख तीन टा मन कर बजी ये हूँ घंटा घंटा ये हूँ मिनिट घंटा ठीक अच्छे। देख से कही तीन टा बाजुच ठीक अच्छे मध्य जो दुईटे कोण सृष्टि हुए तो सेमाप के दीटा कोण केमी सृष्टि हो समस्त देख देख 12 रु 3 आ भर गोटे कोण सृष्टि हो कोण पर 90 डिग्री 90 डिग्री आउ जो बाकी रहा कैसे डिग्री ये तक रहा तो ये कैसे डिग्री समय जान गोल्टा मैंने कैसे डिग्री टोटली ना सर 360 डिग्री 360 डिग्री जो 90 डिग्री माइनस करदे के 270 डिग्री ठीक अच्छे बुझीआसला तो 270 डिग्री हो राइट आंसर क्लीयर। तो 90 आउ जो 270 क्लीयर तो आंसर हूँ ऑप्शन डी। देख आउ समस्त गोटे कथा कहे ये जो हमारे जो मिनिट अच्छी गोटे मिनिट देख टोटली के 60 मिनिट बुझ समस्ते 60 मिनिट अच्छे टी बुझ 60 मिनिट अच्छे टोटली 60 मिनिट जे गोटे घंटा कहे हाँ कि नहीं तो 60 मिनिट जे के कहीपर के डिग्री ना 60 मिनिट हम देख समस्त मन रख 360 डिग्री गोटे मिनिट जे के डिग्री ना मन रख 360/60 ठीक अच्छे जे 6 डिग्री ये मन रखी था क्वेश्चन पचारद 10 मिनिट जे केते डिग्री तुम भी यार आंसर कर कहीं गोटे मिनट तो 10 हो 10 60 क्लीयर समस्ते 2 नंबर खत्म एमती क्वेश्चन भी आसपे आसी 3 नंबर जी ये क्वेश्चन में कई दत्त चित्र छोट बड़ मिसी समुदाय के वर्ग क्षेत्र अच्छे मुझे आर क्लास आर क्लास के तीन टा वर्ग चित्र था एवं कैसे अच्छे ना 4टा अच्छे ठीक अच्छे। तो देख 1 2 3 4 1 2 3 4 कौन कहते सूत्र ना 4टा वर्ग चित्र से लिखिपर 1 रो स्क्वायर + 2 रो स्क्वायर + 3 रो स्क्वायर + 4 रो स्क्वायर 4टा रो कमी जान ना देख ये हूँ 1 ये हूँ 2 ये हूँ 3 ये हूँ 4 ये इपट को 4टा अच्छे इपट को 4टा अच्छे तो 1 रो स्क्वायर के ना 1 2 रो स्क्वायर के ना हूँ 4 3 रो स्क्वायर के ना 9 4 रो स्क्वायर के ना 16 16 9 25 4 29 1 30 तो आंसर है जो कौन 30 वर्ग चित्र अच्छे काउंट कर देखो 30 थी यानी कि ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर ठीक अच्छे। 3 नंबर सरला हमारे ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 4 नंबर को आज बहुत क्वेश्चन करवा 4 नंबर क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 4 समस्त बुझा हो कह किसी डाउट न चलो 4 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन दे दत्त चित्र ई बी डी जे कौन ना ए कोण देख ई बी डी कोणर परिमाण के ठीक अच्छे। देख फास्ट देख समस्ते गोटे त्रिभुज अच्छे जापार ए बी सी गोटे त्रिभुज अच्छे ए बी सी गोटे त्रिभुज अच्छे ये जो ए बी सी त्रिभुज अच्छे अरे ये डिग्री ना 30 डिग्री ये डिग्री ना 65 डिग्री कौन तो आम जान त्रिभुज तीन कोण परिमाण समस्टे 180 डिग्री सम अफ द थ्री एंगल अफ ट्राएंगल 180 डिग्री ये 30 से 65 के ना सर 95 हो जा ठीक अच्छे बुझीआसला तो ये तो कैसे हो ना यहाँ 85 हो कहीं 180 रु 95 माइनस कर दि ठीक अच्छे 85 हो क्लीयर समस्ते तो ये जदि 85 मुझे देख ये गोटे लाइन ये गोटे लाइन ये आंगेल जी हम ये आंगेल से हम कौन कहते प्रतिपकोण अपोजिट वर्टेक्स एंगल तो ये आंगेल के ना सर 85 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हूँ राइट आंसर सरी ऑप्शन नंबर 4 कौन 85 डिग्री राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर 85 डिग्री आंसर हम खत्म बुझी क्लीयर हो 5 नंबर को
पांच नंबर को। ओके ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, बहुत सारे पिला भूल करते आप गोटे सूत्र अच्छे सूत्र समस्त मन रख समस्त मत आंसर देवा ट्राए कर। पांच नंबर क्वेश्चन बुझ, जदि गोटे त्रिभुजर बाहू मान दैर्घ्य दे दीजिए 13, 14, 15, ये देखो त्रिभुज गोटे अच्छे एमती जार बाहू दे दीजिए 13, 14, 15, 13 गोटे 14 गोटे आ 15 गोटे। ये जो क्वेश्चन तुम देखुच ये क्वेश्चन देख 2019 क्वेश्चन तुम यहाँ करुच तुम समस्त को जो मैंने तुम बड़ भाई कि भौणी कंपिटेटिव एग्जाम दौरान से पचार ए क्वेश्चन तर कंपिटेटिव एग्जाम भी एवं आसूच तुम देख एग्जाम तुम पाइबा न पाइबा जी कथा नुह तुम जो क्वेश्चन को ठीक से प्रिपेरेसन करुच ठीक से क्वेश्चन को अटेंड करुच तुम बहुत बड़ कथा। ठीक अच्छे चलो देख क्वेश्चन देखिए गोटे त्रिभुजर बाहुमान हाँ 13, 14, 15 दे क्वेश्चन पचार तार क्षेत्रफल के। ठीक अच्छे देख ये हूँ ये कौ त्रिभुज ना कहते विषम बाहु त्रिभुज जार कौन भी बाहू सामान न था तो यम त्रिभुज कौन करवा आप गोटे सूत्र अच्छे कौन देख समस्त कहीदेज ये त्रिभुजर अर्ध परिश्रम भार कर अर्ध परिश्रम कौन करते एस कहते अर्ध परिश्रम कितने भार कर ना समस्त बाहु को मिसेक दूरी डिवाइड करदेव अर्धा करदेव ना तो देख फास्ट अच्छे कौन ना 13 अच्छे तापर 14 अच्छे 13, 10, 10, 20, 23, 23, 27, 27, 32, 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
ବାଇଶ ବାଇ ଦୁଇ ତାମାନେ କେତେ ନା ଏକୋଇଶ, ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ କେତେ ହେଲା ନା ଏକୋଇଶ। ହଁ ପାଇଁ ବେଟା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି କ'ଣ ନା ଏକୋଇଶ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ଏକୋଇଶ ବୁଝି ଆସିଲା। ତ କେତେ ମାଇନସ୍ କରିବା ଏମିତି ଏକୋଇଶ ରହିବ, ଏକୋଇଶ ମାଇନସ୍ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ବାହୁ ତେର ନବା ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ହେଲେ ତେର, ତାପରେ ଦେଖ ଏକୋଇଶ ମାଇନସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ନବା ଚଉଦ, ତାପରେ ଦେଖ ଏକୋଇଶ ମାଇନସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ନବା ପନ୍ଦର। ଠିକ ଅଛି, ଏଇମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ରୁଟ ଓଭର ବା ବର୍ଗମୂଳ ବୁଝି ଆସିଲା। ତ ଦେଖିବା ଏକୋଇଶ ରହିଲା ବୁଝ, ଇଏ ସୂତ୍ରଟା ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସ୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ, ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବାହୁ, ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ତାପରେ ହେଉଛି ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ଆର ବର୍ଗମୂଳ, ଇଏ ହେଉଛି ସୂତ୍ର ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଏରିଆ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା। କ୍ଲିଅର ସମସ୍ତେ, ଇଏ ହେଉଛି ସୂତ୍ର ସେଇ ଜିନିଷ ପକାଇଛି। ଏକୋଇଶ ଏକୋଇଶରେ ତେର ମାଇନସ୍ କର, ତେର ସାତ କୋଡ଼ିଏ, ତେର ଆଠ ଏକୋଇଶ ଆଠ, ଏକୋଇଶ ଚଉଦ ଅଛି ଓକେ, ଚଉଦ ଛଅ କୋଡ଼ିଏ, ଚଉଦ ସାତ ଏକୋଇଶ, ଏକୋଇଶ ପନ୍ଦର, ପନ୍ଦର ଛଅ ଏକୋଇଶ, ବାସ୍ ବର୍ଗମୂଳ କାଢ ଦେଖିବା ଏକୋଇଶ ଅଛି ଆକୁ ଲେଖିପାରିବି। ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିଦେବ ମୌଳିକ ଗୁଣନ, ତିନି ଗୁଣନ ସାତ ଆଠ କରିପାରିବି, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସାତ ହେଉଛି ସାତ, ସାତ ରହିଲା ଛଅ, ଦୁଇ କି ଗୁଣନ ତିନି କରିପାରିବି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଦେଖ ଏଠି କେତେଟା ତିନି ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆମର ତିନି ଅଛି, ତିନି କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବା, ତିନି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଦୁଇଟା ତିନି, ଦୁଇଟା ତିନିରୁ ବର୍ଗମୂଳରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ତିନି ଲେଖିବା ଇନ୍ଟୁ, ତାପରେ ଦେଖା ସେଭେନ୍ କେତେଟା ଅଛି, ସେଭେନ୍ କେତେଟା ଏଠି ଗୋଟେ ସେଭେନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଭେନ୍, ସେଭେନ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, ତ ଦୁଇଟା ସେଭେନ୍ରୁ ଗୋଟେ ସେଭେନ୍ ଲେଖିବା ବାସ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇ କେତେଟା ଅଛି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ଚାରିଟା ଦୁଇ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଲେଖିବା, ଦେଖ ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି, ଚାରି ସତା ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ତିନି ସତା ଏକୋଇଶ, ଏକୋଇଶ ଦୁଗୁଣେ ବୟାଳିଶ, ବୟାଳିଶ ଦୁଗୁଣେ ଚଉରାଅଶୀ, ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଡି ଚଉରାଅଶୀ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯାହା ୟୁନିଟ୍ ଥିବ ତାହା ଲେଖିବ ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ଚାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଲ୍ୟୁସନ, ଭଲସେ ବୁଝ ସମସ୍ତେ, ଛଅ ନମ୍ବରକୁ ଚାଲ। ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ଆଗରୁ, ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ କେତେ ନା ଚାରି ଅନୁପାତ ତିନି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଚାରି ଅନୁପାତ ତିନି, ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁପାତ କେତେ ନା ତିନି ଅନୁପାତ ଚାରି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମି ଅନୁରୂପ ଭୂମିର ଅନୁପାତ କେତେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ନେଇଯିବା, ଗୋଟେ ବେସ୍ ୱାନ୍ ଭୂମି ୱାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେସ୍ ଟୁ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବେସ୍ ଟୁ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଭୂମିର ଅନୁପାତ କେତେ, ଭୂମିର ପଚାରିଛି, ତ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ସାର୍ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ ଜାଣିଛେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ହାଫ୍ ଗୁଣ ଭୂମି ଗୁଣ କ'ଣ ହାଇଟ୍ ଜାଣିଛେ, ହାଇଟ୍ ଯେ କେତେ ଏଇଠି ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁପାତ ଚାରି ଗୁଣ ତିନି, ଉଚ୍ଚତା କେତେ ନା ତିନି ଲେଖିପାରିବା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଅଛି ନା ଚାରି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଚାରି, ଯେ କେତେ ଅଛି ନା ମୋତେ କୁହ ଚାରି ଅନୁପାତ ତିନି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ହାଫ୍ ହାଫ୍ କଟିଗଲା, କ୍ଲିଅର ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ବା ଭୂମି ହେଉଛି କେତେ ନା ଦେଖ ଉପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଚାରି ବାଇ ତିନି ଅଛି, ତିନି ବାଇ ଚାରି ସେପଟେ ଗଲେ ଓଲ୍ଟି ଯିବ, ଫୋର୍ ବାଇ ତିନି ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଇଯିବ ଚାରି ଚଉ ଷୋହଳ, ତିନି ତିନି କି ନଅ, ତ ଭୂମିର ଅନୁପାତ କେତେ ନା ଷୋହଳ ବାଇ ନଅ,
ଷୋହଳ ଅନୁପାତ 16/9 ଯେ 16:9 ସେ ବୁଝିଆସିଲା। 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ମୁଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କହିବ, ସାର୍ ମୋର ଏଇ ନମ୍ବର ବା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିବ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୋତେ ପଠେଇବ, ହେଲା। କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ନେବ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରୁନ ସବୁ ତ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ନେବ। 7 ନମ୍ବରକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ କରି ଦେଖ। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ 1/2, 1/3, 1/4 ଓ ପରିସୀମା ହେଉଛି 52 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ? ଚାଲ ଦେଖ, ଇଏ ଦେଇଛି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି, ଇଏ 1/2 ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇଯିବା, କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ନା x/2, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ x/3 ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା x/4 ହେଇଯିବ। ପରିସୀମା କେତେ ଦେଇଛି ନା 52 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ, କେତେ ଦେଇଛି ନା 52 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। x/2, x/3, x/4 ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆମର ମନେକର ଥାନ୍ତା 1:2:3 ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ ନା ଏକ୍ସ, 2 ପାଇଁକି 2x, 3 ପାଇଁକି 3x ନେଇଥାନ୍ତେ। ବାଉଳା କେବେ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର ଏଲସିଏମ୍ ନିଅ ବା ଲସ୍ ହେବନି। 2, 3, 4 ଲସ୍ ହେବ କେତେ, 2, 4 ଲସ୍ ହେବ 4, 4, 3 ଲସ୍ ହେବ 12। ଦେଖ 3, 4, 12 3, 4 ଲସ୍ ହେବ 12 ହେଇଗଲା, 2, 16, 12 ଏକ୍ସ ଏଇଟି କ'ଣ ନା 6x ତ ଜଣା ତୁମକୁ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ 3, 4, 12 4x ପ୍ଲସ୍ 4, 3, 12 3x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 52। 6, 4, 10, 3, 13 13x ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, 13x/12 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 52। ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 13x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 52×12, 52×12 କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଦେଖ ସବୁ ତ ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା କେତେ ହେଇଯିବ ନା, ଦେଖ 13 ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇଠି ଏବେ କାଟିପାରିବି ନା, 13 × 13 = 13, 14, 52, 12, 14, 48 ଏକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ହେଉଛି 48, 48, 48। କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କିଏ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି, 4 ହେଇଛି 1/4 ମାନେ x/4 ଏଇ ଗୋଟାକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 48/4 ଲେଖିପାରିବେ, 4×4, 4×2×8 12, ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେବ କି ନା 12। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 7 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ, କାହାର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଠ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ସୂତ୍ର ଉପରେ ବେସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଦେହରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ବା ସୂତ୍ର ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା √6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ହାଇଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା √6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କିଏ ଜାଣିଛ ମୋତେ କୁହ। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ସୂତ୍ର ହେଉଛି, ଆଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ସୂତ୍ର ଲାଗିବ, 1/√3 × କ'ଣ ନା hs² hs କେ ଅଛି, 1/√3 hs², ଇଏ ହେଉଛି ସୂତ୍ର, ଲେଖିଦେଲି ମନେ ରଖିନା ସମସ୍ତେ। ଚାଲ ଆମେ ଲେଖିବା 1/√3 hs କିଏ ନା √6 ର ସ୍କୋୟାର, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 1/√3, ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 6 ହେଇଯିବ, √6 ମାନେ 6 ହେଇଯିବ, ତ 6/√3, 6/√3 ତ କୋଉଠି ତ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା କେମିତି, ଦେଖ ତଳେ √3 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ √3 ତଳେ ଗୁଣିଦେବା, ଉପରେ 6 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ √3 ବି ଗୁଣିଦେବା, କାହିଁକି ତଳେ ଗୁଣିଲେ ଉପରେ ବି ଗୁଣିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ 6√3, √3 × √3 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3 ହେଇଯିବ, 3 1 ଯା ଇଏ 3 2 ଯା, ତ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2√3, ଓକେ। ତ 2√3 କେଉଁଠି ଅଛି ଅପସନ୍ରେ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 8 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ। 9କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଇଛି, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 4 ଓ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 2 ହୁଏ ଏବଂ 7 ର ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 1 ହୁଏ, ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 4 ଓ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 2 ହେବ ଓ 7 ର ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 1 ହେବ, ତ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଚାଲ ମୋତେ ଆନ୍ସର ବତାଅ। ସଂଖ୍ୟା କି 4 ଓ 3 ର ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 2 ହୁଏ ଓ 7 ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂଖ୍ୟା କି 50, ଦେଖ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କର କେତେ ହେଇଯିବ ରେ, 50କୁ 4 ଭାଗ କର ନା, 4×4 = 15, 4 ଗଲେ 1 10, 4×2 = 8 2, ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ଭାଗ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା, କ'ଣ 3 ଭାଗ କର 50କୁ, ଦେଖ 3×3 = 5, 3 ଗଲେ 2,
कोड़े 318 ठीक है देख दुई आसूच कौन आस दुई आसूच चार तीन भाग गले भाग दुई हुए सात द्वारा भाग कर एक हम देख सात सत्ता उनचास भाग एक रोक तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर नाइन नंबर सी ठीक अच्छे क्लियर समस्ते टेन नंबर को टेन नंबर आंसर मत किए देखे पार जल्दी मतलब कर देख टेन नंबर आंसर चौरानबे को चौरान थर जोग कले जोगफल के इजी क्वेश्चन तुम कौन करा ना चौरानबे को चौरान जोगफल करवा जहाँ चौरानबे को चौरानबे गुणीदेव से ठीक अच्छे तो देख आंसर कौन हम ऑप्शन सी हम कहीं कहली ना देख चौरानबे गुण ना चौरानबे करार अच्छे मान देख यूनिट बेस देख चार चौ षोह एक घर तो छ गोटे अप्सन अच्छे सी आया दरकार नहीं कि डी नंबर को एगार नंबर को तीनोटी मौलिक संख्या मध्य प्रथम दुईटर गुणफल 133 तीनोटी मौलिक संख्या अच्छी प्रथम दुईटर गुणफल 133 कितना मौलिक संख्या तीनोटी मौलिक संख्या ये गोटे मौलिक संख्या ये गोटे मौलिक संख्या ये गोटे मौलिक संख्या देखिए प्रथम दुईटर गुणफल के 133 ठीक अच्छे शेष दुईटर गुणफल 200 न संख्या यथा के ये क्वेश्चन कौन कर ऑप्शन टेकिंग क्वेश्चन प्रथम दुईटर गुणफल 133 देख कौट हूँ ऑप्शन एयर देखा एगार तीन एगार प्रथम दुईटर 133 एगार तीन 33 तीन रखा तीन एगार के एगार तीन 14 हूँ 143 हो तो ऑप्शन ए कटिला ऑप्शन बी को चला प्रथम दुईटर गुणफल 133 हम ना सात के तो सात आसूच ये हेनी ऑप्शन सी को देखा सी तो हेनी कहीं हेनी ना 13 गुण जब 133 है 13 गुण 11 गुण 13 कमी हम ये हम कि हेनी देख एगार तीन 33 तीन रखा तीन एगार के एगार तीन 14 हेनी ऑप्शन सी भी हेनी ऑप्शन डी ही हम तो एबीसी जो डी हम 19 17 देख 7 9 63 तीन रखा ला 6 7 के 7 6 13 133 हूँ 209 हम शेष दुटर गुणफल एगार को 19 गुणिले 209 पाइब ऑप्शन डी राइट आंसर एगार नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट बुझी आस बार नंबर क्वेश्चन देखा समस्त टाइम देली मात्र 10 सेकेंड 10 सेकेंड मत आंसर कर देखा 12 नंबर क्वेश्चन गोटे संख्या 15 और 12 उभय द्वारा विभाज्य अटे 15 और 12 गोटे संख्या अच्छे जहाँ 15 और 12 द्वारा उभय द्वारा विभाज्य हो पार निम्न दि जाए के ठीक नुहे ठीक पचार गोटे ठीक नुहे 10 सेकेंड दे चलो देख देखिए संख्याटी पांच द्वारा विभाज्य हम निश्चित ठीक नुहे हाँ ठीक हम कारण 12 15 विभाज्य हो संख्याटी 15 और 12 द्वारा विभाज्य हे निश्चित हाँ कारण 12 15 द्वारा विभाज्य तो देची ना तो ए ठीक बी ठीक क्वेश्चन कहते कौटा ठीक नुहे संख्याटी 15 और 12 विभाज्य हे निश्चित भाव कह पार ना तो आम ये कहले ना कहा पार ये पे कह ना कमी तो यहाँ हूँ रंग देखिए कौटा भूल तो यहाँ हूँ रंग ऑप्शन सी हूँ आम आंसर हम कौटा सी कहे के ठीक नुहे तो 12 नंबर सी हूँ राइट आंसर 13 नंबर को जी
ଦେଇଛି 10 ଓ 70 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗ ସାଗୁ 16 ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ କେତେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡେଲି 15 ସେକେଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ओके देखिए 10 सॉरी कौटे गल हाँ 10 ଓ 70 मध्य जो 4 संख्यार ग सागु 16 हुए, देखो ग सागु 16 हुए तो ग सागुर स्टार्ट करवा ना, 4टा संख्या 16 के 16, सेकेंड संख्या 16 2 गुणे 32, थर्ड संख्या 16 3 48, फोर्थ संख्या 16 4 64, बस खत्म। एम ग सागु तो 16 हम लस के से पचार देख ना 16 के 16 16 2 गुणे 32 16 3 48 16 4 64, बट लस मैंने सब मल्टीप्लाई कर 4 3 12 ठीक अच्छे। आग देख 16 को 4 गुण दवा 16 64 ठीक अच्छे, 64 को 6 गुण 64 को 6 गुण 6 4 24 6 4 24 24 आसला 4 आसूच यूनिट प्लेस एक घरे, तो सेमती संख्या कौटी अच्छी ना केवल ऑप्शन डी रे अच्छी, एबीसी रे नहीं, तो सर आंसर मतलब गुणिया को ही पड़ानी 13 ऑप्शन डी। बस यही छोट छोट जिनस ना तुमको बहुत हेल्प कर। 14 नंबर, 2टି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଦେଇଛି 2ଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର 1/4 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର 1/5 4 ଅଧିକ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଅପସନ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଓକେ ମନ କରିବାର ଅଛି କର। 14 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଦେଇଛି 2ଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର 1/4 ଓ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର 1/5 ଠାରୁ 4 ଅଧିକ। ଏ ଅପସନ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବାର 88, ବୁଝ ସମସ୍ତେ, ଅପସନ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଏମିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା 90, ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଦେଇଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତ 88 ହେଲେ, ଆଉ 90 ଓ 99 ତ ଅଯୁଗ୍ମ ନା, ଦେଖ ଆଧର 4 ଡିଭାଇଡ଼ କର, ଏ ଅପସନ୍ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। 88 ବାଇ 4 କେତେ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଦେଖ, 88 ବାଇ 4 କରିବା ନା ଆମେ, ନା 22 ପାଇଯିବା, 90 କୁ 5 1/5 18 5 90, ଦେଖ ଆଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଉଛି, 22 - 18 ସାର୍ 4 ହେଉଛି। ଏ ଅପସନ୍ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ତୁମ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଏ ଅପସନ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଟୋଟାଲି 15କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଦେଇଛି, କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଗୁଣିଲେ 1 4 1 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଯାହାର ଉଭୟ ଏକକ ଦଶମ ସ୍ଥାନ 4 ହେବ। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ଗୁଣି ତୁମେ କରିପାରିବ, 48କୁ 48 ଗୁଣିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣିବା ପାଇଁ କହିଛି ନା, ତ 48କୁ 48 ସହିତ ଗୁଣିବ, 62କୁ 62 ଗୁଣ ଦେଖିବ, ତା'ର ଏକକ ଦଶମ ଅଙ୍କରେ 4 ରହୁଥିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ ବତାଅ ଜଲ୍ଦି, 15 ନମ୍ବର, ଚାଲ ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ 38କୁ 38 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ଆନ୍ସର୍ ତୁମର କେତେ ହେଇଯିବ, ଓକେ 1444 1444, ଦେଖ ଏକକ ଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ସତ କଥା ଛାଡ଼ କି ଏକକ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଏକକ ଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ଶତକ ଏଇ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିନି। ଦେଖ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି, ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 16 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଆଜି ଆମର 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାର ଅଛି। ରାମ ଓ ହରି ମଧ୍ୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ରାମ ଓ ହରି ମଧ୍ୟରେ ରାମ ହରିଠାରୁ 30 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଅଟେ, ଯଦି 12 ବର୍ଷ ପରେ ରାମର ବୟସ ହରିର ବୟସ 3 ଗୁଣା ହୁଏ, ତେବେ ରାମର ବୟସ କେତେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଦେଇଛି ରାମ ଓ ହରିର ହରି ମଧ୍ୟରେ ରାମ ହରିଠାରୁ 30 ବର୍ଷ ବଡ଼, ରାମ ହରିଠାରୁ 30 ବର୍ଷ ବଡ଼, ତ ହରିର ବୟସକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଯିବା, ଏକ୍ସ ନେଇଯିବା, ରାମର ବୟସକୁ ଆମେ କେତେ ନେଇଯିବା, 30 ବର୍ଷ ବଡ଼ ନା, x+30, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ଯଦି 12 ବର୍ଷ ପରେ ରାମର ବୟସ, ଯଦି 12 ବର୍ଷ ପରେ, ଯଦି 12 ବର୍ଷ ପରେ ରାମର ବୟସ ହରିର ବୟସ 3 ଗୁଣା ହୁଏ, ଦେଖ 12 ବର୍ଷ ପରେ ହରିର ବୟସ କେତେ ହବ ମୋତେ କୁହ, 12 ବର୍ଷ ପରେ, ଏଇଟା 12 ବର୍ଷ ଲେଖୁଛି ହେଲା, 12 ବର୍ଷ ପରେ, 12 ଇୟର୍ ଆଫ୍ଟର, YEAR ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଓକେ
12 ବର୍ଷ ପରେ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲି 12 12 ବର୍ଷ ପରେ ହର ବୟସ କେତେ ହେବ ନା ସାର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 12 ରାମର ବୟସ କେତେ ହେବ ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 30 ଅଛି 30ରେ 12 ମିଶ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 42 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ଯଦି 12 ବର୍ଷ ପରେ ରାମର ବୟସ ହରି ରାମର ବୟସ ହରି ବୟସର ତିନି ଗୁଣା ହୁଏ ରାମର ବୟସ କ'ଣ ହରି ବୟସର ତିନି ଗୁଣା ତାମାନେ ହରିର ତିନି ଗୁଣା ଯିଏ ହରିର ବୟସ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 12 ତିନି ଗୁଣା ମାନେ 3 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 12 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାହାର ବୟସ ନା ରାମର ବୟସ ଯେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 42 ଚାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ରାମର ବୟସ କେତେ 3 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ 3 ଏକ୍ସ 3 ଇଣ୍ଟୁ 12 36 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 42 ଓକେ ତ ଦେଖ 3 ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସ ଏପଟୁ ନେଇଆସ ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସଟା ଏପଟୁ ବସିବ ନା ଲେଖିଦେଉଛି 3 ଏକ୍ସ - ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏପଟେ ତ 42 ଅଛି 36 ଏପଟୁ ନିଅ ମାଇନସ୍ 36 3 ଏକ୍ସ ରେ ଦିନ 2 ଏକ୍ସ 2 ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 42 42 ରୁ 36 ମାଇନସ୍ କର 6 ହେଇଯିବ ତ 2 ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 6 ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ନା 3 ଏକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 3 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ରାମର ବୟସ କେତେ ରାମର ବୟସ କେତେ ନା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 42 12 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 42 ତ ଏକ୍ସ ଯେ କେତେ 3 ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 42 ନା ଏକ୍ସ କେତେ 3 ତ 42 ପ୍ଲସ୍ 3 କେତେ 45 ବର୍ଷ ତେଣୁ 16 ଯେଉଁ ହଁ 16 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ନା 45 ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତୁମକୁ କହିବ ତେବେ ରାମର ବୟସ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ଖାଲି ବୟସ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 30 ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ 30 ପ୍ଲସ୍ 43 ହେଲା 30 ସେଠି 30 ପ୍ଲସ୍ 3 33 ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି ସେଇ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଅପସନ୍ ଅଛି କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେତେ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ 12 ଯଦି 12 ବର୍ଷ ହୁଏ ରାମର ହରବ ତିନି ଅଳ ତେବେ ରାମର ବୟସ କେତେ ଓକେ ତ ଏଇ ଯେଉଁଠୁ 12 ବର୍ଷ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ 45 କରୁଛେ ଓକେ ନହେଲେ ଯଦି ଖାଲି କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ 33 କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଡାଉଟ୍ କେହି ହେବନି 16 ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି 45 ସତରକୁ ଯିବା 17 କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଜାର ଥର ଆମେ ଗଲେଣି ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଲେଣି ତଥାପି ଦେଖ ଦେଇଛି ଏକ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେତେଟା ଅଛି ନା 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କଲେ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରୁଛ ତୁମକୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛ 2 ମାର୍କ କାଟି ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସର୍ବମୋଟ 222 ମାର୍କ ରଖିଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇପାରେ କି ଭୁଲ ହେଇପାରେ ତେବେ ସେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା 17 ନମ୍ବର ମୋତେ କୁହ କ'ଣ କରିବା 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଦେବ ଦେଖ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ ଦେଖ 46ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ସେ ତାର ଠିକ୍ ଥିଲା ମୁଁ କହିବି ତାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ କେତେଟା ଠିକ୍ କରିଛି ସେ ଆଉ କେତେଟା ରଙ୍ଗ କରିଛି ଦେଖ ଯଦି 46ଟା ଠିକ୍ କରିଛି 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା 4ଟା ରଙ୍ଗ କରିଥିବ ଦେଖିବା 46 ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ 5 ମାର୍କ ମିଳୁଛି ତ 46 × 5 କରିବା 530 ଶୂନ ରଖଲା 3 5 20 530 ଶୂନ ରଖଲା 3 5 20 3 23 230 ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି 4ଟା ଭୁଲ କରିଥିଲା କେତେ ମାର୍କ କଟିଯିବ ନା 4 × 2 = 8 କଟିଯିବ କେତେ କଟିଯିବ 8 କଟିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝି ଆସିଲା ତ 222 ତ ଦେଖ 230ରୁ 8 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ହଁ ଇଏ ହେଉଛି 230ରୁ 8 ମାଇନସ୍ କଲେ ତ ନା 222 ମାର୍କ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ତାର ଯଦି 46ଟା ଠିକ୍ କରୁଛି 4ଟା ଭୁଲ କରୁଛି 222 ମାର୍କ ହେଉଛି ୟାନି କି ସେ ଅପସନ୍ ଏ 46ଟା ଠିକ୍ କରିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି କେତେଟା ଠିକ୍ କରିଛି ହେଲା ବୁଝି ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ସେ କେତେଟା ଠିକ୍ କରିଛି ଯଦି ଆମେ 46ଟା ଠିକ୍ କରିଛି ତ 4ଟା ଭୁଲ କରିଛି କାରଣ ଟୋଟାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 50 ତ 46 × 46 × 5 କଲେ କେତେ 230 ହେଉଛି 230 ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯଦି ରଙ୍ଗ ସେ କରିଛି ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଅଛି ତ 4 × 8 କାଟିଦିଅ 222 ହେଉଛି ତ ଦେଖ ନା ସେ 222 ମାର୍କ ହିଁ ରଖିଛି ଏଣିକି ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 18କୁ ଯିବା ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନଟି 3 ଅଟେ ଗୋଟେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତାମାନେ ତାର ଏକକ ଘର ଥିବ ତାର 10 ଘର ଥିବ ଏକକ 10 ଘର ଥିବ 2 ଅଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନଟି କେତେ 3 ଏକକ ସ୍ଥାନ କେତେ ଅଛି ଆମର ନା 3 ଅଛି ଏହାର ଏକକ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଦଶ 7 ହେଲେ ଏକକ ଓ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଦଶ 7 ହେଲେ ତ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଦେଖିବ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ
तेयानबे ट नौ तीन बार न जो तेयानबे हूँ कि तो सात जीवन सात के पुणी तेयानबे ना तो ऑप्शन ए कटिला। तेसठ देखा तेसठ देख सात के पुणी अच्छी एक बै सात देख सात के सात सात नुआ तेसठ देख के न हो छ प्लस तीन के छ प्लस तीन हूँ न छ को तीन प्लस न हो देख आ संख्यार संख्या जब एक तो सात डिवाइड करवा ओके बा गुणन करवा तेसठ गुण एक तो सात देख न आसूचे तो मैंने ऑप्शन बी सैटिस्फाई कर बुझीसा क्वेश्चन कौन जो संख्या देती तार समि जहाँ समष्टि मूल्य जहाँ से संख्या जो एक विभक्त सात गुणव से समष्टि सामान होते दरकार देख समि के छः प्लस तीन न तेसठ की तुम वन गुण तेसठ इंटु वन बै सेवेन कर न आसला सात नुआ तेसठ तेना ऑप्शन बी राइट आंसर। एटीन खत्म नाइंटीन को जी क्वेश्चन नंबर 19 6 हाँ ये क्वेश्चन करेजी आगुरु देख फास्ट एज नौर वर्गमूल के मत कह नौर वर्गमूल ना सर तीन है बुझ समस्त ये बुझे नौर वर्गमूल के तीन हो ओके तो ये गोटे वर्गमूल अच्छे देख समस्ते ये एमती अच्छे उन्नीस माइनस तीन के षोह हो मत कह षोह तो षोह वर्गमूल के चार हो ठीक अच्छे वर्गमूल अच्छे ना तो यही तक आम जो कले सल्व कले ये तो कैसे हो गोर कह ना सर चार हो गला चार के मिसाइक पड़ो ना एक मिसाइक पड़ो तो एक चार मिसाइद आंसर आम के पचीस ठीक अच्छे ना पचीस तो पचीस हो गला तो पचीस पुणी वर्गमूल अच्छी ना पचीस वर्गमूल के हूँ पाँच हो पचीस वर्गमूल के पाँच हो देख पाँच हो गलापर कौन बोला एति बोली कौन कौन बोली ना सिक्स प्लस टू इंटु पाँच बोले था तो पाँच वर्गमूल देख देख फास्ट छः को दुई रे प्लस करेंगे भूल हो फास्ट आम गुणन करवा दुई गुण पाँच के दस दस छः मिसले के षोह षोह वर्गमूल के चार होने की ऑप्शन सी राइट आंसर। उन्नीस नंबर ऑप्शन सी राइट आंसर चार क्लियर। कोड़े नंबर क्लासेस बंद होनी कहीं तुम बारंबार कही जिते भी जमती भी जो जगार भी था बट नेटवर्क तो आसुन मुझे जो अच्छे से मतलब लाइव क्लास नहीं होने मुझे वीडियो करके रेकर्ड कर ठीक है तुमने मन दे पढ़ ठीक अच्छे भगवान का आश्रय तुम्हारे अच्छी ओके मुझे तुमको जहाँ भी जमी पढ़ेबा कथा जैक बुझेबा कथ सब बुझे पेरेन्ट्स मान भी आसवा समस्त बहुत भल से पढ़ बुझीसला बेटा चलो ट्वेंटी नंबर जदि एक धाड़ी रे छोटी खुंब एटा खंब जहाँ भी हो छोटी खंब समान दूरतार रखती छोटा खुंब को जदि एक धाड़ी समान दूरतार रखा देख ये हूँ गोटे खुंब खुंब कर दौचे ओके ये गोटे हूँ खुंब क्लियर ये हूँ गोटे खुंब दुई ये हूँ गोटे खुंब तीन ये हूँ गोटे खुंब चार ये हूँ गोटे खुंब पाँच ये हूँ गोटे खुंब छा खुंब को आम एक धाड़ी सामान दूरता रखिले सामान दूरता मान कौन ना आ भितर जो दूरता अच्छी आ भितर से ही दूरता 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 छोटे खुंब समान रखती प्रथम और चतुर्थ खुंब मध्य व्यवधान दूरता 60 मीटर प्रथम ये हूँ देख फास्ट बुझ समस्त ये हूँ फास्ट खुंब फास्ट आ कौन ना हूँ फोर्थ वन टू थ्री फोर्थ यहाँ हूँ फोर्थ ठीक अच्छे फास्ट आ फोर्थ खुंब दूरता के ना हूँ 60 मीटर कैसे मीटर ना देख 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 60 मीटर कैसे मीटर ना 60 मीटर अच्छे तो देख आज के दूरता जाऊ देख ना देख ये गोटे वन जाऊँ ये देख ये गोटे दुई जाऊँ दुटा दूरता फास्ट आ चतुर्थ खुंब ये देख तीन दूरता जाऊँ यहाँ देख चार दूरता जा ठीक अच्छे चार्टा प्रथम और चतुर्थ खुंब दूरता के ना 60 मीटर सामान दूरता तो 60 को चार डिवाइड कर दियो ठीक अच्छे ओ सॉरी 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 चार नु चार खुंब ना चारिटा खुंब ठीक अच्छे चार्टा खुंब जो यहाँ हूँ फोर्थ खुंब ये हूँ वन खुंब ये हूँ दुई खुंब ये हूँ तीन खुंब ये हूँ चार खुंब अंदर दूरता तीन तीनटा डिस्टेंस देखो ये गोटे डिस्टेंस के चार डिवाइड करेंगे भूल हो गए डिस्टेंस ये गोटे डिस्टेंस तो 60 डिवाइडेड बाय मुझ कौन करदेवी
थ्री करदेवि तो आंसर कैसे हो ना 20 पाइज केते पाइजी ना 20 हो जदि 20 पाइगली मत कह क्वेश्चन दे प्रथम शेष खम्ब दूरता के फास्ट खम्ब किए ना ये हूँ फास्ट खम्ब देख समस्ते ये हूँ आम फास्ट खम्ब ये हूँ फास्ट खम्ब ये हूँ लास्ट खम्ब ठीक अच्छे क्वेश्चन पचार गोटे खम्ब दूरता डिस्टान्स के कोड़े तो पाँचटा खम्ब अच्छी वन टू थ्री फोर फाइव तो कोड़े इंटु फाइव इज इक्वाल टू 100 ठीक अच्छे तो आंसर हम 100 मीटर ओके 100 मीटर हम यानी कि ऑप्शन ए क्लियर 20 नंबर आनिटा क्वेश्चन सॉरी आउ पांचटा क्वेश्चन आज 25 क्वेश्चन करवा आज सब अधिक क्वेश्चन गुड़ा कर 21 तेजी सान रु बड़ क्रम पांचटी संख्यार जोगफल 861 सान रु बड़ क्रम अच्छी पांचटी संख्यार जोगफल 861 है पांचटी संख्यार जोगफल के 861 मुझे लिखे पांचटी संख्यार जोगफल है संख्यार जोगफल के 861 क्वेश्चन दे जो प्रथम तीनोटी संख्यार जोगफल 466 देखो पांचटा संख्या अच्छी ये गोटे संख्या ये गोटे संख्या डट दे दीजिए ये गोटे संख्या ये गोटे संख्या ये गोटे संख्या पांचटा संख्या अच्छी डट न मु हाई ये देदे बुझीपर तुम प्रथम पांचटा संख्या एमती अच्छे एक दुई तीन चार पाँच से कही पांचटा संख्या जोगफल 861 आम जाने कही जदि प्रथम तीनोटी संख्यार जोगफल प्रथम तीनोटी संख्या जोगफल माने देखो समस्ते ये संख्या ये संख्या ये संख्या जोगफल के 466 शेष तीनोटी संख्यार जोगफल के देखो शेष तीनोटी संख्या किए ना शेष तीनोटी ये रोचे ये रोचे ये रोचे ये रो तुम देख ल गोटे जगार देख दीटा टिक मु मारी मझी संख्याटा रिपीट हो तो गोटे प्रथम तीनोटी 466 मझे लास्ट तीन टाइम ना 579 तो लास्ट तीन टाइम 579 आर जोगफल के देखा न टे 915 पांचर खनला 1 713 के 14 चार खनला 1 पांचर 9 के 10 1045 तो जो 1045 एक्चुअली कौन है ना आधे गोटे संख्या ये मारे डबल टिकी गोटे रेड गोटे ब्लू हो जाए प्रथम तीन टे संख्या रोचे शेष तीन टे संख्या रोज मझे रोचे तो माइनस कर दि तो देख 1045 माइनस 861 कौ बजे ना तृतीय संख्या पाइज मझे संख्या पाइज पाँच रे एक गले चार ठीक अच्छे चौदह छः गले आठ पाँच रे एक गले चार चौदह छः गले कैसे आठ ये नौ रु आठ गले कैसे नौ हूँ 184 ऑप्शन बी राइट आंसर ठीक अच्छे क्लियर 21 खत्म बुझे आस समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को जी बाईस क्वेश्चन हाँ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख ये क्वेश्चन टे बुझार अच्छे देखिए समस्त 10 सेकंड 15 सेकंड टाइम न कर तब कर चलो देखो फास्ट देखिए फास्ट गोटे पैटर्न ऑब्जर्व कर देखो ये कौ जगह अच्छी ना क्वेश्चन देजी एक रु स्टार्ट 101 जाए अच्छी देखो एक पर कौन आ गए अजुम संख्या तीन आपर पाँच आपर प्लस 7 आसपर प्लस 9 आसपी 101 जाए ठीक अच्छे तो फास्ट आम एक रु 101 जाए नहीं जा हाँ कि नहीं मत देख एक रु 101 एक रु 101 आर जोगफल के समस्त जानते कमी करवा ना अजुग्म संख्यार जोगफल कौन केम जानते ना मन पका 101 प्लस 1 बाय 2 र स्क्वायर मन पड़ा कही 101 लास्ट संख्या के 101 लास्ट संख्या देख 101 प्लस 1 कर डिवाइड बाय 2 कर 101 रे एक मिसले के 102 को 2 रे डिवाइड कले के र स्क्वायर 102 2 के 2 5 10 2 के 10 51 र स्क्वायर कैसे हो स्क्वायर मत कह
एक स्क्वायर एक पंच के पांच दुगुणे पंच के पांच दुगुणे दस शून्य रखा एक पाँच स्क्वायर पचीस एक छब्बीस छब्बीस एक कही स्क्वायर ट्रिक केमी जो नजर तुम एकवन एकवन मल्टीप्लाई करद छब्बीस एक बुझिपार तो एक रु शहे एक संख्यार जगफल के फास्ट मुझे लिखीदी ना सर छब्बीस एक ठीक अच्छे तपर आउ किए रहा छब्बीस एक तपर आउ किए रहा हाँ आउ किए रहा ना सर माइनस टू आसूचे तपर माइनस फोर आसूचे माइनस सिक्स आसूचे माइनस एट ये एमती कौ जाए जीव ना शहे एक जाए जीव शहे एक तो अजुग्म मोर जुग्म जे किए जीव ना माइनस शहे जाए जीव समस्त गोटे कथा देख लो जदि यार माइनस कमन नहीं जी मु माइनस कमन नहीं जी कौन रही ना दुई र्लस चार र्लस सिक्स र्लस एट रमती कौ जाए जीव ना एमती हंड्रेड जाए जीव हाँ कि नहीं मत कह तापर भी मत गोटे कथा कह पुछ 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 ये बुझा जिनस अच्छे तपर मत गोटे जिन कह तुम मैंने समस्ते जदि ये माइनस टू मु कमन नहीं आसूँ माइनस टू ये कैसे रही है ना सर वन रू वन जा टू टू जा टू रपर देख थ्री रपर देख फोर रपर देख फाइव रमती कौ जाए जीव ना एमती हंड्रेड जाए जीव बुझे आसला हंड्रेड तो जीवन हंड्रेड टा कितने ना ये हो टू एटा फिफ्टी हो टू फिफ्टी जा हंड्रेड फिफ्टी तो ये कैसे जगह रोच ना संख्याटा एक रु पचास तो आम क्रमान जो संख्या अच्छी आर जगफल केमती जापर आम एक रु पचास हजार जगफल ना समझ जान क्यों जान ना देख मुझे तुम मन को कही पचास गोटे आफ्टर नंबर फिफ्टी वन बै टू दूरे काटले एक दूरे काटले के ना सर पचीस देख पचीस के पचीस पांच रखला दुई ठीक अच्छे पचीस चौ शहे पचीस पंचाश शहे पचीस शहे पचीस दुई शहे सतईस बुझेसला पचीस के पचीस पांच रखला दुई पचीस चौ शहे पचीस पंचाश शहे पचीस दुई शहे बारश पचस्तरी कैसे हो गला ना सर बारश पचस्तरी ठीक अच्छे तो जो बारश पचस्तरी आम कौन गुणिने ना टू भी गुणिने टू गुणिया पड़ो तो बारश पचस्तरी दुई गुण के दुई पंच दस शून्य खाला एक दुई सतन चौदह एक पंदर पांच रखला एक दुई दुण चार एक पाँच दुई के दुई पचीस पचास कैसे हो गला मत कह ना सर पचीस पचास ठीक अच्छे ये कौन चिन्ह थी ना माइनस थी तो ये आम के बाहर था पचीस पचास माइनस करवा है छब्बीस एक तो देख ए छब्बीस एक रु आम कौन माइनस करवा ना पचीस पचास छब्बीस एक रु कौन माइनस करवा पचीस पचास एक दस रु पांच गले पांच आउ तो सब रहा एकावन हम आंसर तो ऑप्शन 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 बी हम राइट आंसर ऑप्शन बी हम राइट आंसर एकावन क्लियर एकावन हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन तेईस को जी तेईस निम्न दिया संख्या मध्य के पैंतालीस विभाज्य इज क्वेश्चन तुमको होमवर्क दिल ये पैंतालीस विभाज्य किए पचास ना ये कर चौबीस नंबर होमवर्क दूसरे निम्न दिया संख्या मध्य के पैंतालीस विभाज्य तो पैंतालीस द्वारा विभाज्य मैंने कौन ना से ही संख्याटा पाँच द्वारा विभाज्य होता दरकार आ नौ द्वारा विभाज्य होता दरकार कहीं ना पाँच नौ को मल्टीप्लाई होगी पैंतालीस ठीक है देख ये तो सब पाँच रिभाज्य पाँच रिभाज्य सब संख्या कहीं समस्त घर शून पाँच अच्छे खत्म नौ को जी देखा फास्ट नौ द्वारा हूँ पाँच पाँच दस तीन तेर दुई पंदर केम जाना ना सम ऑफ द नंबर इज डिविजुअल बाय नाइन देन द टोटल नंबर इज डिविजुअल बाय नाइन सब संख्यार समस्त नौ द्वारा विभाज्य से टोटल संख्या नौ द्वारा विभाज्य पाँच पाँच दस तीन तेर दुई पंदर दुई सतर नौ के पुणी सतर कोड नहीं तो ऑप्शन ए कैंसल ऑप्शन बी को जी छः पाँच एगार एगार एक बार बारह के तेर आठ एक नौ के पड़ेगा एक नहीं कैनसल पाँच चार नौ नौ एक दस एक एगार एगार छः सतर सतर कौट ना नौ के पड़ेगा कैनसल तार ऑप्शन डी राइट आंसर देखिए कौन तथा देखीद छः आठ चौदह चौदह दुई षोह दुई अठर बस देख ऑप्शन डी राइट तेईस नंबर ऑप्शन डी राइट आंसर चौबीस को जी चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिए एक चार सात दस तेर क्रम पंदरतम पदटी के एक चार सात दस तेर क्रम पंदरतम पदटी के तुमको होमवर्क देली समस्ते कर इजी क्वेश्चन मानने बुझीपाली मान हूँ पंदर नंबर कौ संख्या थी ये चार पांच नंबर मन कर तेर अच्छी छ नंबर के हम देख
तीन लेखा पड़ चाहिए, एक तीन चार, चार तीन सात, सात तीन दस, दस तीन तेरह, तेर तीन षोह, षोल तीन उन्नीस, पंद्रह नंबर केर, ये तुम मैंने करके देख। पचीस नंबर लास्ट क्वेश्चन आज टोटली पचीसटा क्वेश्चन आम करदे। दुईट संख्यार गुणफल दुईश तेयालीस देखिए, दुईटा संख्यार गुणफल दुईश तेयालीस, दुईटा संख्या ये गोटे संख्या मन कर, ये गोटे संख्या तरह गुणफल के दुईश तेयालीस। संख्या दुई मध्य गोटे अन्य तीन गुण, जदि गोटे एक्स है आ गए के तीन गुण मान थ्री एक्स, संख्या द्वारा अंतर के एक्स इंट थ्री एक्स, थ्री एक्स स्क्वेयर इजिकल टू दुईश तेयालीस। तो मत को एक्स स्क्वेयर ना तीन एट कटे तीन अठा चौबीस तीन के तीन एक्स के ना एक्स हूँ एट्टी वन वर्गमूल जे नाइन हो चौमूल के नौ। क्वेश्चन देखिए गोटे संख्या एक्स मैंने गोटे संख्या नौ, गोटे संख्या थ्री एक्स मैंने तीन इंटु नाइन केन इंटु नाइन ट्वेंटी सेवेन पचास अंतर के देखो ट्वेंटी सेवेन रू नाइन माइनस कर दिव, ट्वेंटी सेवेन रू ट्वेंटी सेवेन रू नाइन माइनस के अठर 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 ऑप्शन सी। बस ये थी क्वेश्चन। सो थैंक यू टाटा, बाय बाय फॉर वाचिंग दिस क्लासेस, बाय बाय समस्त, बाय।